हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, आज हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.4 पे हम आ चुके हैं। आज हम 7.4 में सबसे पहले तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम, ये आपके पास तीन थ्योरम है एनसीईआरटी में। एक तो है थ्योरम नंबर 7.6 कि इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक, उसके बाद इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। फिर है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तीनों की तीनों आज हम पढ़ेंगे, इनके प्रूफ देखेंगे अच्छे से प्रॉपर वे से। फिर एग्जांपल 9 है और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। चलिए बेटा, एक एक करके मैं आज ये तीनों थ्योरम आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होंगी, देखिएगा। सबसे पहले थ्योरम हम चलते हैं, टू साइड ऑफ ए, मतलब साइड ग्रेटर दे रखी है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल लार्जर होगा। देखिए 7.6, थ्योरम 7.6, स्टेटमेंट, सेवन पॉइंट सिक्स की स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखिए जरा ध्यान से। ये कह रहा है इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, अनइक्वल द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। मतलब क्या है बेटा, मतलब है इसके अंदर आपके पास है एक ट्राइंगल। स्टेटमेंट के बाद मैं बना देता हूं, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या करना है, हमें दे रखा है कि टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल है, मैं मान लेता हूँ गिवन में, देखना, गिवन गिवन में क्या है मेरे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी दो साइड अनइक्वल है, तो मैं मान लेता हूं कि ए सी जो है वो मेरी बड़ी है ए बी सी। ए सी की लेंथ है वो ए बी सी में बड़ी मान लेता हूं, ठीक है। टू शो, प्रूव करना है कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड इज लॉन्गर। अपोजिट, जोन सी साइड बड़ी है, ए बी बड़ी है ना, तो इसके अपोजिट एंगल, एंगल बी, ये प्रूव करना है
एंगल बी जो है वो बड़ा होगा जो ए बी स्मॉलेस्ट इससे स्मॉल है, ए बी के अपोजिट जो एंगल है उससे, एंगल सी से। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आपकी दो साइड में एक साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है। अगर मैंने साइड ए सी को ग्रेटर मानना है, साइड मेरी ए सी बड़ी है तो ए सी के अपोजिट जो एंगल है वो भी बड़ा होगा। ए सी के अपोजिट कौन है एंगल बी, वो बड़ा है, और ए बी के अपोजिट कौन है एंगल सी, वो उससे छोटा होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इज इट क्लियर, ये समझ आ गया? ठीक है, गिवन है, टू प्रूव है। आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हमने अब एसी बड़ी है, एसी एबी से बड़ी माननी है, तो मैं यहां पर इस तरह से ड्रॉ करता हूं कोई पॉइंट ले लिया सच दैट मेरी ए बी इसके इक्वल हो जाएगी, ए डी। क्या किया हमने, टेक पॉइंट डी ऑन ए सी such that d on ac such that ad is equals to ab, ac बड़ी थी ना, ac बड़ी थी किससे, ab से greater। हमने क्या किया, ac के ऊपर एक ऐसा point ले लिया d, इतना इतनी length इसकी छोड़ दी कि इस तरह से लिया जो आपकी AD है ना बेटा वो AB के इक्वल हो जाएगी। जो AD दिखाई नहीं दे रही, दिखाई में तो ये बड़ी दे रही है वो फिगर, लेकिन मेजरमेंट हमारी क्या है, AD और AB इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ी सी बनिएगी ना बड़ी, उस हिसाब से हमने नेमिंग नहीं की। आइए कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, AC बड़ी थी उस पर D कोई पॉइंट लिया गया है इस तरह से कि आपकी ए बी और ए डी की लेंथ इक्वल हो जाए। प्रूफ, प्रूफ क्या कह रहा है देखिएगा, एंगल की नेमिंग कर दो, वन टू थ्री फोर। ध्यान से देखिएगा आप, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर एंगल ये ए बी इक्वल ए डी है बाय कंस्ट्रक्शन, अभी अभी किया है ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, अब आपने पढ़ी एक थ्योरम इसी चैप्टर में 7.1 और 2 में की थी हमने, कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। पढ़ी हुई है ये कि दो साइड इक्वल हैं, सो दिस इंप्लाइज ए बी के अपोजिट एंगल 2 और ए डी के अपोजिट एंगल 1 इक्वल होगा, इक्वेशन 1। रीजन, एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, नाउ एक बात बताइए, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में देखिए बी सी डी एंगल टू जो है किसके इक्वल होगा बेटा, वो एक्सटीरियर एंगल, बी सी डी ट्राइंगल में एंगल टू है जो वो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, और ये 6.3 में हमने थ्योरम की थी बेटा 6.3 में कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल टू जो है वो आपका किसके बराबर होगा, एंगल फोर प्लस एंगल थ्री। 6.3 में हमने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल में एक साइड को एक्सटेंड करके बाहर की तरफ बनाया हुआ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल टू जो है वो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर का एडिशन होगा, ठीक। रीजन लिख दीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसी पे लिख देता हूं मैं, यहां देखिएगा, ये चीज आपको सभी को पता होगी कि 5 कितना होता है, 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 होता है, ये बात सभी को पता है। अगर मैं सिर्फ यहां 5 लिखूं और यहां 3 लिखता हूं, 2 हटा देता हूं, अब भी बीच में इक्वल का साइन आएगा क्या, बताइए क्या साइन आएगा। अगर मैं एक चीज हटा दी, मैंने 5 किसके इक्वल था, 3 प्लस 2 के, यहां तो 5 रखा, यहां 3 है, ये अगर इसका कुछ पोर्शन भी हट जाता है तो 5 मेरा क्या हो गया, उससे ग्रेटर हो गया, ये क्लियर है ना। ये तो छोटी सी बात है, बचपन में भी सीखी होगी कि 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 होता है, बट इसमें से अगर मैं 2 को हटा दूं तो मेरा 5 जो है वो पहले वाले 3 से बड़ा हो जाएगा, या मैं 3 को हटा दूं तो वो 2 से भी बड़ा हो जाएगा, 5 तो इन दोनों को ऐड करोगे तब इक्वल आएगा। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे ये देखिए कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 और एंगल 3 के इक्वल है, तो क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं कि जो मेरा एंगल 2 होगा वो ग्रेटर होगा अगर सिर्फ एंगल 3 लिखूं तो, इक्वेशन नंबर 2, यस और नो, बोलिए बेटा, क्लियर है ना बात, कि यहां पर एंगल 2 है जो वो अकेले एंगल 3 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इक्वल कब था, जब 3 और 4 को ऐड किया गया, तो एंगल 2 मेरा एंगल 3 से ग्रेटर आ गया। नाउ अब देखिए एंगल 2 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 तो मेरा एंगल 1 के बराबर है, बाय 1 यहां लिख देंगे हम, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 में कह रहा है एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, और 2 में कह रहा है एंगल 2 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल 3 से, ठीक। तो एंगल 2 अगर 3 से बड़ा है एंगल 3 से, तो एंगल 1 भी तो एंगल 3 से बड़ा होगा,
क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, तो एंगल 2 की जगह क्या रख दीजिए, दिस इंप्लाइज एंगल 1 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 3 से, और एंगल 1 बेटा ये पूरा था, कंप्लीट, ये कंप्लीट था, रेड वाला है एंगल 1 तो मेरा, ओ रुके 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 रुके, नहीं सॉरी, एंगल 1 इतना था, एंगल 1 तो मैंने इतना लेट किया था ना, ये वाला नीचे वाला एंगल 4 था, ठीक है, एंगल 1 किससे ग्रेटर हो गया, एंगल 3 से। अब देखिएगा, अब मुझे एक चीज और बताएं आप लोग ध्यान से, ये देखिए आपको पता है 5 ग्रेटर है 4 से, पता है ना भाई, 5 इज ग्रेटर देन 4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर 5 4 से ग्रेटर है और 5 में मैं कुछ ऐड कर दूं तो क्या इस इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा ग्रेटर देन पे? 5 इज ग्रेटर देन 4 और मैं 5 में कुछ ऐड कर दूं तो ये साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 में अगर आप 3 ऐड भी कर देते हो तब भी तो वो क्या रहेगा, 4 से ग्रेटर ही रहेगा। यानी अगर कोई चीज़ ग्रेटर है किसी दूसरी चीज से, उस पहले वाली में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो ग्रेटर ही रहेगी, छोटी नहीं हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से अगर एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है, ठीक, और दिस इंप्लाइज, मैं ये लिख दूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी एंगल 3 से बड़ा होगा, तो ये इस चीज में कोई फर्क तो नहीं है, एंगल 1 मेरा एंगल 3 से बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, उसमें कुछ ऐड करोगे तो, समझ रहे हैं ना, ग्रेटर में कुछ ऐड कर दिया तो वो ग्रेटर ही रहेगा। तो एंगल 1 में अगर एंगल 4 ऐड कर दो तो वो एंगल 3 से ग्रेटर आएगा। अब एक बात देखिए बेटा, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा करने से ये फायदा हो गया, 1 और 4 मिला के क्या बन गए, पूरा एंगल बी, 1 और 4 मिला के बन गए एंगल बी इज ग्रेटर देन 3, क्या है मेरा एंगल 3 है ये सी वाला, ठीक है, तो एंगल सी बी मेरा सी से बड़ा आ गया। ये देखिए, यही प्रूफ करना था मुझे, बी का पूरा नाम दो ना, सो दिस इंप्लाइज पूरा नाम लिखो तो ए बी सी, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन सी का पूरा नाम लिखोगे, सी का क्या है ए सी बी, कंप्लीट नेम दे दो तो ए सी बी से ग्रेटर आ गया। इट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर हमारी साइड बड़ी है, साइड ग्रेटर है किसी दूसरी साइड से, तो उस साइड के जो अपोजिट एंगल होगा ना, जैसे बी था इसमें, वो छोटे वाली साइड के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा, यानी बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा और छोटी साइड है तो उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। इज इट क्लियर, सभी को समझ आया इस थ्योरम में हमने किया क्या है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, बताइए बच्चों। फिर मैं अगली थ्योरम पे चलता हूँ, थ्योरम नंबर 7.7 चले, आइए अगले पेज पे ही करते हैं। 7.7 क्या कह रही है देखिएगा, सेवन पॉइंट सेवन इसी का अपोजिट है बेटा, 7.7 इसी का अपोजिट है,
स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है कि इन अ ट्राइंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। हमें प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल में अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी बड़ी होगी। पिछले वाले से बिल्कुल रिवर्स है, उसमें साइड बड़ी थी तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा था। यहाँ पे बेटा हमें दे रखा है एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी ग्रेटर होगी, ये प्रूव करना है। देखिएगा जरा ध्यान से, ए बी सी, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लेट किया, पहले तो गिवन देखिए, गिवन क्या है। गिवन के अंदर हमारे पास है कि इसने दे रखा है कि इफ द ग्रेटर एंगल, ग्रेटर मैं सी को ग्रेटर मान लेता हूं, ठीक, ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, गिवन में आ जाएगा, यानी एंगल सी जो है वो मेरा बड़ा है एंगल बी से, ये तो गिवन है। एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। सी है, सी के अपोजिट कौन, ए बी जो है मेरी वो ग्रेटर होगी बी के अपोजिट कौन, ए सी से। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में इससे रिवर्स था, साइड बड़ी दे रखी थी और हमें प्रूव करना था कि अगर साइड ग्रेटर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। यहां पर उसका रिवर्स है, कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या है, एंगल ग्रेटर दे रखा है तो हमें यह भी प्रूव हो जाएगा कि अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट साइड भी मेरी ग्रेटर होगी। देखिए बच्चों कैसे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलो एंगल बड़ा है, मेरे पास यहां पर थ्री पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, हो क्या क्या सकता है। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। पहली क्या है, शायद क्या हो, ए सी जो है वो क्या पता ए बी के बराबर हो, या फिर ए सी जो है वो छोटा हो ए बी से, या फिर ए सी जो है वो ग्रेटर हो ए बी से। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं।
और इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही होल्ड करेगी, तीनों तो होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ दीज थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली वन मस्ट बी ट्रू। कंफर्म है बेटा ये? भाई इन तीन पॉसिबिलिटीज में से एक एग्जैक्टली एक ही ट्री होगी, या तो ए बी और ए सी इक्वल हो सकते हैं, या ए सी ग्रेटर हो सकता है ए बी से, या फिर सॉरी ए बी ग्रेटर हो सकता है ए सी से, या फिर ए सी ग्रेटर हो सकता है ए बी से। तीनों में से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, तीनों की तीनों नहीं हो सकती, या दो भी नहीं हो सकती। अब देखिए मुझे प्रूव यह करना है कि ए सी जो है, ए बी जो है वो ग्रेटर है ए सी से, जब मेरा एंगल सी ग्रेटर है बी से। तो मैं एक बार केस लेके चलता हूं। मैंने फर्स्ट केस लिया, केस फर्स्ट, मैंने मान लिया कि व्हेन ए सी इक्वल है ए बी के। मैं इक्वल मान लेता हूं कि ए सी, सोच लीजिए कि ए सी ए बी के इक्वल है, तो क्या यह पॉसिबल है? ठीक, देखिए ए सी ए बी के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज ए सी के अपोजिट एंगल बी और ए बी के अपोजिट एंगल सी इक्वल मिलेंगे, क्योंकि ये थ्योरम तो मैंने पढ़ी है। कौन सी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, बी और सी इक्वल आ गए। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल मान लिया तो बेटा बी और सी तो मेरे इक्वल आ गए, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है मतलब हमें जो गिवन है फैक्ट उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाना, यानी उससे अपोजिट चीजें ना। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू गिवन कंडीशन। भाई ये तो हमें गिवन ही है कि सी एंगल बी से ग्रेटर है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। किसके साथ हुई है? कि एंगल सी जो है वो एंगल बी से ग्रेटर है, ये तो गिवन है मुझे, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं ये तो इक्वल होंगे ही नहीं, गिवन कंडीशन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अगर मैं इनको इक्वल लेता हूं तो ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ए सी कभी भी ए बी के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, ए सी कभी भी ए बी के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है बेटा? केस एक और केस ले लेते हैं। हमने केस लिया केस सेकंड, केस सेकंड यहां ले लो। मैं मान लेता हूं कि ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी से। हमने मान लिया, लेट पॉसिबल ए सी है जो मेरा वो ग्रेटर है ए बी से। अभी अभी पीछे क्या थ्योरम पढ़ के आए हो, कोई बताएगा मुझे? इससे पहले वाली थ्योरम का रिजल्ट क्या था जो हमने पढ़ा है? क्या थ्योरम पढ़ी है अभी हमने? कि अगर साइड ग्रेटर है, जो कर चुके हैं 7.6 में, कि साइड ग्रेटर है तो उसके सामने एंगल भी ग्रेटर होगा। एसी ग्रेटर है
तो उसके सामने वाला एंगल बी, दिस इंप्लाइज एंगल बी जो है वो ग्रेटर होगा एंगल सी से, क्योंकि अभी थ्योरम जो हमने किया वो क्या है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर या ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल होता है वो बड़ा होता है, ये अभी पिछली थ्योरम में करके आए हम। तो एसी को अगर मैं बड़ा लेट करता हूं तो एसी के अपोजिट एंगल कौन, बी मेरा सी से ग्रेटर मिलेगा, ठीक। बट दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू गिवन कंडीशन, ये फिर से गिवन कंडीशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ये चीज। दैट इज गिवन में तो क्या है, एंगल सी बड़ा एंगल बी से, ये तो हमें दे ही रखा है ना, एंगल सी एंगल बी से बड़ा तो दे ही रखा है, तो इसके अपोजिट चीज आ जाती है, इसका मतलब गलत चीज आई है वो, बी सी से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है कि सी मेरा ग्रेटर है बी से। तो इट मींस दिस इंप्लाइज ए सी जो है वो ग्रेटर नहीं होगी ए बी से, नॉट ग्रेटर, ए सी इज नॉट ग्रेटर टू ए बी, ए सी ए बी से ग्रेटर नहीं होगी, यानी जो हमने माना था ठीक है वो क्या है, रोंग, केस सेकंड रोंग। तो हुआ क्या, अब हम किस चीज के साथ बच गए, नाउ वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद विद द ओनली पॉसिबिलिटी कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ बच गए कि जो मेरी ए बी है वो ग्रेटर होगी ए सी से, ठीक है, विच मस्ट बी ट्रू, हैंस प्रूव्ड। कैसे भाई, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज थी ना, या तो ए सी ए बी के इक्वल होगी, या ए बी ए सी से छोटी होगी, या ए सी ए बी से बड़ी होगी, ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज थी, और इन तीनों में से एक तो पक्का होल्ड करेगी दो साइड के ऊपर, या तो इक्वल होंगे या ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी। मैंने उन तीन में से दो को ये दिखा दिया वो पॉसिबल नहीं हो सकती गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ना तो ए बी ए सी के इक्वल हो सकती, ना ही ए सी ए बी से ग्रेटर हो सकती, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बच गई है कि ए बी मेरा ए सी से बड़ा होगा। तो वी आर लेफ्ट विद द ओनली पॉसिबिलिटी दिस विच मस्ट बी ट्रू, एक तो इनमें से ट्रू होनी थी, दो मैंने दिखा दी कि अगर वो दो लेता हूं तो मेरे गिवन फैक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो वो चीज तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो गिवन ही है। इट मींस मेरा प्रूव हो गया कि अगर मेरा एंगल बड़ा होता है तो उसके अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। बेटा इन थ्योरम्स का यूज हम एक्सरसाइज में बार बार करेंगे, पूरी एक्सरसाइज इन थ्योरम्स के रिजल्ट पे डिपेंड है, ध्यान रखना। क्या थ्योरम थी पहले वाली, अगर साइड बड़ी तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा, सेकंड क्या है ये कि अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी, यानी सी ग्रेटर है एंगल तो उसके अपोजिट साइड ए बी ग्रेटर होगी ए सी के कंपैरेटिवली। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए 7.8 थ्योरम पे चलते हैं, वो क्या कह रही है आइएगा।
निकाल लीजिए स्टेटमेंट एनसीईआरटी से 7.8। थ्योरम है आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, द सम of any two sides of a triangle is greater than the third side। एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। गिवन क्या है भाई, गिवन में तो सिंपल सा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी गिवन है सिर्फ, ठीक है। उसके अंदर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मैं लिखूंगा अभी फिगर बनाने के बाद। एक सेकेंड, थोड़ी यहां बना लेते हैं फिगर। एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, मुझे प्रूफ करना है किन्हीं भी, बेटा अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार दोबारा सभी बच्चों को रीजॉइन करना है, फटाफट जैसे मीटिंग ऑफ हो थ्योरम हम करेंगे उसके बाद रीजॉइन कर लेना, ठीक है। जल्दी से मत, दो चार मिनट वेट करूंगा, इतने फटाफट वापस आ जाना ऑफ होते ही। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या है, फर्स्ट कि किन्हीं भी दो साइड का सम, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा ट्रायंगल में। दो साइड अगर मैं ए बी और ए सी मानता हूं कि ए बी प्लस ए सी, एक सेकंड रुकिए बेटा, आगे बेटा सभी,
चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या था कि किन्हीं भी दो साइड का सम वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, ये प्रूव करना है। तो दो साइड में अगर मैं ए बी प्लस ए सी लेता हूं तो ये मेरा ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। सेकंड, अगर मैं ए बी और बी सी का सम लेता हूं, ए बी प्लस बी सी लेता हूं तो ये ग्रेटर होना चाहिए ए सी से, ठीक। और थर्ड, अगर मैं बी सी और ए सी लेता हूं तो ये ग्रेटर होना चाहिए ए बी से। क्या है बेटा, देखिए ध्यान से कि किन्हीं भी दो साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड से आपका ग्रेटर होना चाहिए। अगर ए बी और ए सी का सम लें तो वो बी सी से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। ए बी और बी सी का सम लें तो वो ए सी से ग्रेटर होना चाहिए। बी सी और ए सी का सम लें तो वो ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। थ्योरम मेरी यही है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेटा, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपका, ठीक है, किन्हीं भी दो साइड का सम लोगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा ही होगा। स्टेटमेंट समझ आ गई, थ्योरम की गिवन समझ आ गया, टू प्रूफ समझ आ गया बेटा। इनमें से मैं एक केस करके दिखाऊंगा आपको, बाकी दोनों केस सिमिलरली हो जाएंगे। एक केस का प्रूफ और बाकी सभी का सेम है, ठीक है। देखिए कैसे, पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, हमने इसको BA को आगे प्रोड्यूस किया बेटा, ये BA ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। किस तरह से, देखिए, प्रोड्यूस साइड BA टू D पॉइंट तक बढ़ाया, सच दैट, इस तरह से बढ़ाया, इसको कितना आगे बढ़ाया, AC के बराबर, जितनी AC है, सच दैट जो आपका AD है वो AC के इक्वल हो जाए, इतना आगे बढ़ा दिया। एंड लास्ट में फिर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया किसको, सीडी को, फिर सीडी को हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए कैसे हमने क्या किया, ये ए बी है बेटा, ए बी को डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में क्या जाता है, एक लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और कितना एक्सटेंड किया, जितनी एसी थी, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ये इतना एक्सटेंड कर दिया कि एडी जो है वो एसी के इक्वल आ गई, जितनी एसी थी मेजर करके उतना ही एक्सटेंड कर दिया, और बाद में सीडी को ज्वाइन कर दिया, सीडी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, लिखा हुआ। ये दो काम किए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हमने ऐसी तो कोई चीज नहीं की ना जिसमें प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये करने के बाद अब चलते हम इसके प्रूफ पे। प्रूफ, प्रूफ के लिए कुछ एंगल की नेमिंग कर रहा हूं, वो जरा ध्यान से देखना यार, ठीक। कैसे, दिस इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू, थ्री और दिस इज फोर,
ठीक है, नेमिंग होगी। अब आप एक बात बताइएगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल एडीसी में, इन ट्राइंगल एडीसी के अंदर एडी और एसी क्या है? इक्वल है। एडी इज इक्वल्स टू डीसी बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की हमने उतना ही एक्सटेंड किया ना जितना एसी था। अगर एडी और एसी आपके इक्वल है, ठीक है बेटा, एडी और एसी इक्वल है, तो मुझे ये बताइए कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन बताएगा? अगर एडी और एसी इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? अरे मैंने डीसी लिख दिया क्या? एडी और एसी, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक डीसी लिख दिया था, एडी और एसी बोल तो ठीक रहा था, लिख गलत दिया। एडी और एसी इक्वल है बेटा, एडी और एसी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से, तो दिस इंप्लाइज कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, इक्वेशन वन। रीजन क्या दोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड के, ठीक है, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। वन इज इक्वल्स टू टू आ गया। एनी कन्फ्यूजन यहां तक? बताइए बच्चों, कोई कन्फ्यूजन? वन और टू इक्वल है तो नहीं है। आगे चलिए, एक बात बताइए मुझे, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ बेटा बोलो, कुछ प्रॉब्लम था? हम एडी और एसी, हाँ यार आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही क्लियर। एक बार दो, एडी और एसी, डी एसी भी एंगल इक्वल होना चाहिए, ये कह रहे हो? किसके किस किसके इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा एंगल ए वाला? क्यों होगा, कैसे कैसे बताओ हम? हाँ, आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो साइड तो मेरी एडी और एसी इक्वल है ना, इनके अपोजिट कौन से हैं? इनके इसके अपोजिट तो एंगल वन है और इसके अपोजिट एंगल टू है। ए तो किसी के इक्वल नहीं होगा, ए के इक्वल होने के लिए क्या रीजन है इसका? हाँ एडी और एसी है, वो बाय मिस्टेक मैंने डीसी लिख दिया था, वो तो बाय मिस्टेक एक बार डी लिखा था इसकी जगह, वो कट करके मैंने ए लिख दिया था उसे, ठीक है। तो यहां से क्या, ठीक है, यहां से क्या आ गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। अब देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, यहां देखिए मैं कॉर्नर में कुछ लिख रहा हूं, बताना। सोचिए आपका फाइव जो है वो आपका एक तरह से फाइव के इक्वल है, मैं ये लिखता हूं फाइव इज इक्वल्स टू फाइव, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं लिखता हूँ 5 इज इक्वल्स टू 5 तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, अगर इस 5 में मैं 4 ऐड कर देता हूँ और ये 5 एज इट इज है, अब इक्वल का साइन आएगा या किस चीज का साइन आएगा बताइए? इधर वाले 5 में मैंने कुछ ऐड कर दिया तो ये, हाँ 5 प्लस 4 वाली चीज अब क्या हो जाएगी? ग्रेटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से वही काम हम कर रहे हैं। नाउ
एंगल वन और एंगल टू तो मेरे क्या हैं, एंगल वन और एंगल टू तो इक्वल आ गए, ठीक है, बाय वन से लिख दिया, ठीक। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं एंगल टू में कुछ ऐड कर दूं, एंगल वन तो एज इट इज है और एंगल टू के अंदर मैं एंगल फोर ऐड करता हूं, तो कौन सी चीज ग्रेटर होगी? दिस इंप्लाइज ये दोनों इक्वल थी, एंगल वन और एंगल टू इक्वल थे, मैंने एंगल टू वाली राइट हैंड साइड में कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड करते ही अब ये चीज क्या हो जाएगी, ग्रेटर होगी या नहीं होगी मुझे बताओ? बिल्कुल होगी, ठीक है। नाउ एंगल वन का पूरा नाम दे दीजिए, एंगल वन का पूरा नाम क्या था? बी डी सी, कंप्लीट नेम दे रहा हूं बड़े में, बी डी सी, एंगल बी डी सी से बड़ा कौन हो गया? 2+4 का कंप्लीट नेम कर दीजिए, 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 में क्या होगा? बी सी डी, पूरा नाम अगर इसका लिखें तो बी सी डी, ये चीज आ गई मेरी, लेट इट बी स्टार, ये मेरी स्टार होगी। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी, बड़े ट्राइंगल में देखिए, जो आपका बड़ा ट्राइंगल है, ठीक, मैं यहां पे बना देता हूं, बी डी सी जो आपका है ये बड़ा ट्राइंगल है, बी डी सी, ठीक। इसके अंदर जो ये 2 और 4 ये एंगल है सी वाला, ये ग्रेटर है डी वाले से, तो बी डी सी में क्या है एंगल, ऐसे लिख देता हूं, बी सी डी जो है, ये देखिए बी सी डी जो है ऊपर है वो ग्रेटर है एंगल बी डी सी से, अभी अभी बाय स्टार से ऊपर प्रूफ किया है। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ग्रेटर है, तो हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि ग्रेटर एंगल के अभी पीछे करके आए, सामने वाली साइड भी क्या होती है बेटा, लॉन्गर होगी। सो दिस इंप्लाइज बी डी, इसके अपोजिट साइड कौन, बी डी ग्रेटर हो जाएगी इसके अपोजिट कौन, बी सी से, बी डी ग्रेटर हो जाएगी बी सी से, रीजन क्या लिखोगे, ठीक है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, इज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो कैसी होगी, लॉन्गर होगी। बी डी को यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, बी डी को यहां से क्या लिख सकते हो टुकड़ों में तोड़ के, बी डी को लिखा जा सकता है बी ए प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी, बी डी को लिख दिया मैंने बी ए प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी है। अच्छा ए डी किसके इक्वल है, ए डी को ए सी लिख दूं, ए डी और ए सी तो इक्वल है, तो इसको बी ए को लिख दो ए बी प्लस, ए डी की जगह क्या कर दीजिए, ए डी की जगह ए सी लिख दीजिए, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, रीजन ए डी आपका ए सी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो लीजिए आपकी एक कंडीशन प्रूव हो चुकी है कि एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, पहली कंडीशन ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। पहली कंडीशन आ चुकी है कि एक ट्राइंगल ए बी सी था, उसके अंदर किन्हीं भी दो साइड का सम मैंने लिया ए बी प्लस ए सी का, वो थर्ड साइड बी सी से ग्रेटर है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, क्लियर है।
बाकी जो दोनों साइड हैं बाकी सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली कैसे, ये मैंने इस साइड एक्सटेंड किया है ना, ये कंस्ट्रक्शन आप इधर एक्सटेंड करोगे, सीबी को बढ़ाओगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसको एक्सटेंड करोगे तो थर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन इसकी बजाय यूं करते तो दूसरे रिजल्ट आ जाते, तो वो सिमिलरली हो जाएंगे। लास्ट में हम लिख देंगे सिमिलरली सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए बी प्लस बी सी हो तो वो ए सी से ग्रेटर, और बी सी प्लस ए सी हो तो वो ए बी से ग्रेटर होगा। ये बेटा हैंस प्रूव्ड, आपकी तीनों थ्योरम आज प्रूव हो गई हैं, ठीक है। 7.6, 7.7 और 7.8, इन तीनों के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.4 कंप्लीट एक्सरसाइज में इन तीनों के रिजल्ट्स पे डिपेंड है, और काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम करेंगे आरडी में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आएगी ना आपका को, मतलब तुम्हें थोड़ा सा टफ लगे क्वेश्चन, वो इन प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें थोड़ी सी सोचने पे, टफ नहीं है बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। चलिए इसका एक एग्जांपल है वो भी करते हैं, रिजल्ट्स के बाद चलते हैं बेटा आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 313 में। एग्जांपल नंबर 9 निकाल लीजिए बेटा, एग्जांपल 9, चलिए एग्जांपल 9 करते हैं। एग्जाम्पल 9 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो गिवन पे देखिए, गिवन क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट आपने रीड करनी है, कीजिएगा कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट, मुझे गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, गिवन में है बेटा। उसके बाद है टू शो, टू शो में है ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ए बी ए डी से ग्रेटर होगा, ये मुझे शो करना है, ठीक। गिवन है, टू शो है, प्रूफ। देखिए भाई, पहले तो फिगर बना दीजिए, ये देखिए हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी उसने पॉइंट बोला, कहीं भी डी एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी सी पे डी एक कोई पॉइंट है, सच दैट इस तरह से है कि जो आपकी ए डी है, ए डी साइड ए सी के इक्वल है, ठीक है। मुझे दिखाना क्या है, ए बी जो है वो ए डी से ग्रेटर होगी, आइए प्रूफ करते हैं इसका, कुछ एंगल की नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, और भाई इसको कर दीजिए एंगल 3, और इसे नाम दे दीजिए एंगल 4। अब देखिए जरा ध्यान से,
इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करें, ए डी सी इसके अंदर ए डी इक्वल ए सी गिवन है, ए डी और ए सी इक्वल गिवन है, सो दिस इंप्लाइज ए डी ए सी के इक्वल गिवन है, सो एंगल टू जो होगा वो एंगल वन के इक्वल होगा, इक्वेशन वन। रीजन, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होंगे, क्लियर है। अब देखिएगा, अब इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में एंगल टू एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी एंगल टू जो है वो यहाँ से एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के बराबर होगा। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, एंगल टू जो है वो थ्री और फोर के बराबर है। अब सोचिए, सोचिए कि अगर मैं इसमें से फोर को हटा देता हूँ, सिर्फ थ्री रखता हूँ, तो इक्वालिटी का साइन आएगा या कोई बड़ा होगा, इस साइड से फोर को हटा दिया तो बताइए इक्वालिटी आएगी, हाँ टू बड़ा होगा क्योंकि टू तो इन दोनों के सम के बराबर था, समझ रहे हैं ना, वही चीज़ जैसे फाइव है, फाइव थ्री प्लस टू के बराबर होता है, अगर मैं फाइव को लिखता हूँ थ्री, टू हटा देता हूँ तो उस टाइम फाइव मेरा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना, फाइव वैसे तो थ्री प्लस टू के बराबर होता है, टू हटा दो तो थ्री इन दोनों में से अकेले से तो फाइव बड़ा होगा, इसी तरह से टू थ्री और फोर एंगल का सम है, अकेला टू लूँगा तो वो थ्री से ग्रेटर होगा, ठीक। दिस नाउ दिस इंप्लाइज एंगल टू और एंगल वन क्या आपस में बराबर है, एंगल टू और वन तो इक्वल है ना, तो अगर टू की जगह वन लिख दूं तो कोई दिक्कत, एंगल वन भी ग्रेटर हो गया एंगल थ्री से। रीजन, बाय वन, बाय वन एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल थ्री, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब बड़े ट्राइंगल में देखना जरा बेटा, एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल थ्री, तो बड़े ट्राइंगल के अंदर एंगल वन के अपोजिट कौन सी साइड, ए बी इज ग्रेटर देन एंगल थ्री के अपोजिट कौन सी साइड, ए सी, बड़े ट्राइंगल, इसे भूल जाओ आप, इस लाइन को भूल जाओ और बड़े ट्राइंगल में देखो, बड़े ट्राइंगल में देखो थ्री के अपोजिट ए सी, वन के अपोजिट ए बी, ठीक है, तो वन के अपोजिट कौन, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। रीजन, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक। नाउ यहां से देखिए, ए बी जो ए सी है, आपको ए बी जो है वो ए डी से बड़ा दिखाना है ना, ए बी बड़ा आया है ए सी से, लेकिन ए सी और ए डी तो इक्वल है, गिवन है, ए सी की जगह ए डी पुट कर सकते हो, यानी कि दिस इम्प्लाइज ए बी जो है आपकी वो ग्रेटर आ जाएगी ए डी से। रीज़न,
AC और AD तो इक्वल गिवन है, यही तो बेटा प्रूव करना था। हेंस प्रूव। समझ आया नहीं आया? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कैसे किया है? तो बेटा आज आप लोगों को ये तीनों थ्योरम और ये एग्जाम्पल रिटन प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी के नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है लिख के, ठीक है? कल बेटा ये चैप्टर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। कल मैं स्टार्ट करूँगा 7.4 और कोशिश करते हैं 7.4 कल में कंप्लीट हो जाए, ठीक है? कल मॉर्निंग में 8 बजे ही देखते हैं क्लास स्टार्ट कर देंगे कल मॉर्निंग में भी, और 9:30 नेक्स्ट क्लास है मेरी, तो 1.5 घंटे में एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है? तो इसके 6 क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिएगा बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।